जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इधर, ये कितनी बड़ी बड़ी लंबी है, ये चार अमर ज्वार बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये 15 फुट के आसपास की है, भावनगर की आती है, क्योंकि भावनगर की ये ज़्यादा लाया था। इधर अभी हमारा खाना है, वो गोडाउन ख़त्म हो गया। देखो इतनी बड़ी बड़ी लंबी है, गोडाउन 20 फुट ऊपर है, ये आप भी देख सकते हैं। 5 फुट खाली है और 15 फुट नीचे है ये। और ये देखो, ये हमारे पोरबंदर से हरा सारा आता है, ये देखो इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, और ये इतनी लंबी है, यानी इतनी ऊपर है, बहुत लंबी सार है। ये भाल की है, जो भावनगर से आती है ट्रक लोड होके, है ना। भावनगर हमारे यहाँ से 350 किमी दूर है, वहाँ से ये आती है और बढ़िया आती है। और ये हमारे पोरबंदर की इधर आती है, देखो ये 5 फुट के आसपास तो यही है, लेकिन ये कच्चा है, पक्का नहीं है। ये हरी घास है तो कच्ची है तो ज़्यादा खाती है गाय, गाय और बैलों। और ये पाला है इतना, अभी तो हमारा पाला हो जाएगा 10 दिन में, तो ये पाला ख़त्म होगा ना, गाय और घोड़ी सब के लिए, तो हमारा भी हो जाएगा। इधर देखो, ये हमारे छोटे वाला ट्रैक्टर का ट्रेलर है, छोटा ट्रैक्टर, और बड़े वाला ट्रेलर इधर खड़ा है। और ये सिंह है, अभी तो पक चुकी है, लेकिन अभी खेत में, क्या ना अभी खेत है ना, उसमें गीला है तो नहीं निकाल, कोई कोई बंदा निकाल रहा है, हमारे तो हरी सिंह है तो निकालते नहीं है अभी। देखो ये बच्चे इधर है, बड़े हो रहा है दोनों। मुर्गी हमारे से इतनी डरती है, दूरी रखती है, छुपा के ले लेती है वहाँ। देखो ऐसी है सिंह भाई, पक चुकी है अभी तो, अब तो बारिश नहीं आएगी, लेकिन तो भी रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे ब्लैक मिट्टी आती है, तो ब्लैक मिट्टी इतनी सूख नहीं जाती सीधी, आगे पास में खेत है उसके, सबको ऐसी हो गई है। हमारे तो अभी सही है, दवाई भी लगाई है इसमें तो। इधर बस से बताते हैं, देखो हमारे से दूर लेके जा रही है मुर्गी, क्योंकि मैं उसको, हाँ सांप को हमेशा पकड़ पकड़ के पूर देता हूँ, तो इसीलिए लेके भागते हैं। ये चारों साथ में मुर्गा, मुर्गी और बच्चे दोनों, दो बच्चा है साथ में, तो बढ़िया बनेगा। ये खूबसूरत लगेगा, इधर हमारा कुआ है पानी का, और ये हमारा सिंह है, इधर निकाली हुई है भाई ने थोड़ी, उसने निकाली है, हमने तो भी नहीं निकाली, क्योंकि खेत और गीला है, और सिंह भी बढ़िया है, तो मैं बोला बाद में निकाल। इधर हमारे एक कवि जी आया है, इधर खुला छोड़ दिया है, रखा था तो बांध के, लेकिन जब पहले दिन बांध के रखा ना परसों, तभी सीधा खुल गया। तो देखो ये बढ़िया घोड़ा बनेगा, हाइट बढ़िया है इसकी, देखो ये खुला घूम रहा है, तो मैं बोला ठीक है रहने दो, खुला ये खुला घूम रहा है इधर। हाल और हाल, इसमें ये अकेला ही है, इसमें कम से कम 10 गाय रहती, इतना बड़ा टेला है, इसमें अकेला घूम रहा है। इसकी माँ है लक्ष्मी कदम, वो खुद है अभिजीत देवमणि है, बढ़िया हाइट बढ़िया बनेगा, आपको लगेगा तो घोड़ा है। देखो मक्खी काट रही है तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, पूरा ब्लेस है, देवमणि है दोनों, यार ना के पैर है, एक वाइट आगे वाला और एक पीछे वाला, और ये 8 मंथ के आसपास का है। तो इधर लाया था, बांध के रखा था, तो देखो ये रस्सा आया था, रस्सा खुल गया था, मैं बोला उसको ऐसे ही घूमने दो, क्योंकि इसको आदत हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, शांत भी रहता है, खुला रहता है।
इसमें देखो खाना भी इसको पड़ा हुआ है बढ़िया तरीके, यानी पाला डाल के गया शाम तक लगे खाना खाएगा। इसको दूध भी मिलता है, सुबह जोगण भी मिलता है और शाम को भी दूध मिलता है और शाम को जोगण भी मिलता है। और इधर ये पानी पी लेगा, क्योंकि इसमें पानी है तो पानी भी पी लेगा इधर से। तो ऐसा इधर हमारे भीम नंदी है, सुबह सुबह सबको पाला डालते हैं, यह सुबह सुबह और शाम को इसको हरा घास मिलेगा। जो ज्वार दिखाई नहीं, देखो ये इधर हमारी सिंह है, ना हमारी सिंह है और इधर से ये हमारे भाई निकाल रहा है, ना इनका खेत में से ये निकाल रहा है। इसकी थोड़ी खराब हुई है, ना उसकी सिंह खराब हुई है, ये निकाल रहा है और हमारे तो अभी बहुत हरी है, यानी ये हरी है, निकालेंगे। लेबर आने वाला है 2-3 तारीख को, तो उसके बाद ही निकालेंगे 4 तारीख के आसपास, ये दीपावली करके ही, क्योंकि अभी तो आज हमारे इधर धनतेरस है, यानी हमारे इधर धनतेरस बोलते हैं तो धन का ढगला होगा, वो तो काम करेगा तो होगा ना कि नहीं होगा, यानी काम नहीं करेगा और गरीब का गाय का घोड़ा का बैलों का पक्षी का भला करेगा ना, तो ये आपको भगवान आपका भला करेगा ना कि नहीं करेगा। पहले देखो इसमें ये बहुत दवाई लगाई दी थी ना लड़काओं ने, इसमें ये जो घास की दवाई आती है बहुत लगा दिया था, मैं बोला ये जाने वाली है, लेकिन ये सिंग नहीं गई, बढ़िया होगी, यानी कि सिंग गई नहीं, बढ़िया होगी। इधर से यहाँ तक लगाया था तो ये देखो ये सिंग थोड़ा ज़्यादा बड़ी, ये थोड़ा छोटी है, तो ऐसा है भाई साहब, यानी कि सिंग हमारी ऐसी है और हमारा शेर बता दें हम, क्या ना हमारे शेर क्या कर रहा है। इधर ये बैलगाड़ी है खड़ी, अभी उसको जोड़ानी जोड़ेंगे, आया इधर देखो घूमते फिरते, अभी इसको खाना बाहर रख दिया है, इसका खाना भी बाहर रखा है, पानी इधर रखा है, इधर पानी आता है वो पीने के लिए नहीं आता, इधर ही पिएगा। तो देखो एक आया है तो दूसरा भी इधर आ गया, इसका फैन चल रहा है इधर, इसको खाना इधर रखा है, इधर रखा है दोनों को, इसमें देखो पाला डाला हुआ है, तो ये सुबह डाला होगा मेरे हिसाब से 7 बजे के आसपास। इसको राम लखन को दोपहर भेज खाना जलता इधर मिलता है, लेकिन दूसरे किसी को नहीं मिलता हमारे इधर, इस दोनों को मिलता है, क्योंकि इसको खेत में चलने के लिए जाता है तब सुबह से खाना खा के जाते हैं, तो दोपहर पे तक इसको चलना पड़ता है। तो हेलो जी, हाल 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 जरा देखो इसका सिंह सिंह बढ़िया है, हाल नहीं देखो पानी भी पी रहा है, इधर फैन है तो इधर फैन के नीचे आ जाते, जैसे राम और लक्ष्मण जी साथ में ही खड़े थे ना, ये जंगल आएगा वनवास आएगा राज आएगा सब आएगा तो भी साथ में रहते थे, ऐसे ही हमारे राम लखन भी ऐसे ही साथ में रहते हैं, दोनों इधर उधर कहाँ नहीं जाते, दोनों ये साथ में रहते हैं। और चलता भी है तो बढ़िया, दोनों पैर साथ में ही उठाते हैं, दोनों साथ में ही खड़े हो जाते हैं, अब बोलेंगे रुकोगे तो रुक जाता है साथ में। देखो ये दोनों सिंह दोनों का एक ही है, ऐसी पैटर्न है, देखो मस्ती कर रहा है, अभी खाना खा लिया है, इधर ये गाडला है इसमें बैठते हैं, और इसको कोई जोगण बोगण नहीं अभी मिल रहा है, बस ये सुबह उसको सिंह का पाला मिला, दोपहर पे इसको जो सणा का पाला है थोड़ा वो मिलता है, और शाम को
जो हरा घास मैंने दिखाया था ना वो मिलेगा, ये दोनों का। और भाई के लिए भाई तो गुस्से हो जाते हैं, जो एक को आप अलग ले जाएंगे ना तो इधर पीछे रहता है ना तो बहुत गुस्सा करता है, ये कभी अलग नहीं होता। और शांत भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि खुला रहता है, इधर लोग बहुत देखने के लिए आता है राम लखन को, तो ये बढ़िया शांत हो गया है। देखो मैं अभी थोड़ा इसको बाहर यहाँ से निकालता हूँ, देखो इतनी झड़प से सर निकालो, हल 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 है जो दिया आलू ने हलो हाँ ए मैं खाना खाने के लिए वहाँ टल भेजता हूँ। देखो ये दोनों साथ में ही चलता है, दोनों खड़ा रहेगा तो दोनों ही खड़ा रहेगा। देखो मेरे को थोड़ा सामने से वीडियो बनाना था, उल्टा देके खड़ा हो गया, मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ के दोनों को अभी तो सर्दी चालू हो जाएगी, अभी तो सर्दी चालू हो जाएगी तो ऐसा है। देखो ये दोनों इसलता है खेत में तो खेत भी बढ़िया खूबसूरत लगता है। देखो ये इसको धूप लग रहा है दोनों को तो वहाँ चला गया, धूप लगता है। मैं बाहर लेके आया तो वहाँ फैन की इसको आदत हो गई है, देखो वहाँ खड़ा हो गया दोनों। मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आया तो दोनों वहाँ खड़ा हो गया। और ऐसे ही हमारी धनसरी बनाई है, अभी नया नया बनाई हुई है। ये गड्ढा है वो गाड़ा, हमारी बैलगाड़ी आप बोलते हैं, बैलगाड़ी तो पुरानी है 50 साल के आसपास की, ये धनसरी तो अभी अभी बनाई हुई है। देखो बढ़िया डिजाइन डिजाइन बनाया है इसमें, अभी तो कभी बैलगाड़ी में लगाया नहीं, अभी लगाएंगे, नई साल आएगी तब। तो ऐसा है भाई साहब हमारे राम लखन दोनों शेर, ये ना हमारे दोनों शेर ऐसा है। और किसान के पास तो वो ही होता है, गाय होती है, घोड़ा होता है, बैल होता है, कुत्ता होता है, पक्षी होता है, दूसरा क्या होता है, वो ही बढ़िया धर्मादा होता है कि इसको खिलाएगा ना वो स्वर्ग में आएगा। बाकी आप यहाँ से कैसा भी आप बंगला बनाएंगे, वाड़ी बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, वो तो इधर ही रह जाएगा, लेकिन इसको खिलाएंगे ना तो जब आप मरेंगे तब जरूर वहाँ ये आएंगे, भगवान को भी बोल देगा कि इधर रहना, या ना कि इधर रहना, हमारे मालिक आया है, हमारा मित्र आया है, तो हम उसके सामने जाएगा, भगवान को ये बोलेगा, और ज़रूर वहाँ आपको मिलेगा जो इसको खिलाएगा। निस्वार्थ होता है ना उसको, कि हमारे ना ये बैलों की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर मेरे पास सब कुछ है, आपने देखा होगा अगला वीडियो में, छोटे वाला ट्रैक्टर है, बड़े वाला है, पूरा सब दोनों का हथियार भी है, जो जो खेत में ज़रूरत पड़ेगी ना सब औजार है पूरा। लेकिन तो भी मैं बोला नहीं, ये बैलों तो रखना ही चाहिए, क्योंकि हमारा बाप दादा इसी को रख के ये बैलों से हमारे इधर कुएं से पानी निकालते थे, खेत में भी ये चलते थे, शादी में भी ये जाते थे, दूसरे गांव जाना है तो भी ये जाते थे माल लेके, कोई भी काम है तो ये हमारे बैलों ही करते। देखो यहाँ से सींग निकाल के बाहर आ रहा, मैं इधर बैठा हूँ तो इसीलिए आ रहा। तो ऐसा है हमारे शहर, देखो निकलो बाहर निकलो, हम लाग ही जाए कहीं, बड़ा प्यारा रहता है दोनों, ये ना बड़ा शांत भी रहता है। देखो ये फैन भी हवा कर रहा है, पहले तो बारिश और एक दिन तूफान आया था, फैन को पूरा कर दिया, वापस फैन को सही किया है, अभी तो 5-6 दिन में ठंडी चालू हो जाएगी मेरे हिसाब से। अभी तो हमारे साइड बहुत धूप है, अभी भी धूप है, और सुबह सुबह कोहरा आता है ना बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से 12 बजे से आता है नाइट में, 12-1-3 बजे से तो बहुत आता है सुबह सुबह। तो ऐसा है भाई साहब हमारे राम लखन, और आशीर्वाद बढ़िया देना, तो ये 25 साल तक 25-30 साल इसको खुश नहीं होगा दोनों को, क्योंकि दोनों को खुश नहीं होगा। तो ऐसा है भाई साहब किसान का, तो देखना है ऊपर
और बीज लगाना बोना है नहीं से, भगवान के पे रहता है जो आपका कर्म होगा ना इतना मिलता है। क्योंकि आपके पास एक बकरी होती और यानी एक बकरी होती और एक भैंस होती, बकरी और भैंस दोनों को आप 5-5 kg गेहूँ डालना, 5-5 kg गेहूँ डालेगा ना तो बकरी भी खा जाएगी, शाम को डालेगा तो सुबह तक बकरी भी खा जाएगी भैंस भी खा जाएगी, लेकिन सुबह बकरी मर जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा आपने गेहूँ दे दिया है तो गेहूँ पेट में जाएगा तो पानी पिएगा और हमारे इधर पोह है ऐसा बोलते हैं। तो ये 5 kg गेहूँ होता है 10 kg हो जाएगा पेट में जाएगा पानी पी के पेट से तो बकरी मर जाएगी, ये वो सहन नहीं कर सकती, भैंस सहन कर जाएगी। तो आप भी आप इतना समझते हैं कि जितना भैंस को देना है इतना बकरी का नहीं देना और बकरी को देना है इतना भैंस को नहीं दे सकते तो आपको भगवान भी नहीं देते। आपको लगता तो है कि हमारे बहुत पैसा चाहिए, वो फैक्ट्री बनाना, वो करना, रिलायंस डालना, बंगला बनाना, वैसा करना, लेकिन आपका किस्मत में होगा और आप जितना सहन कर सकते हैं ना इतना ही भगवान देते हैं। क्योंकि ज़्यादा देते ना आपकी कैपेसिटी के बाहर तो आप खुद तो मरते हैं दूसरे को भी मारेंगे। एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भिखारी पे सला जाता है रोड पे और उसको 1 crore की नोटरी लगती है ना तो सीधी 4-wheel ले लेते हैं और 4-wheel लेके सीधा वो ही लेके निकलेगा तो खुद तो मरेगा, जो कोई परिवार नीचे सला जाता है उसको भी मारेंगे 5-6 आदमी कोई और को भी। तो इसीलिए इसको भगवान देते नहीं, तो इसीलिए सबको भगवान नहीं देते, जो आपकी कैपेसिटी होगी ना इतना ही देंगे, उनसे ज़्यादा वो कभी नहीं देते किसी को, हमारे को ही नहीं देते। ऐसे नहीं है कि हमारे को देगा, हमारे को ही नहीं देगा, देखो तो हमारे को ही रिलायंस डालना है वो नहीं देगा, उसको मालूम है रिलायंस राम भाई को देगा ना तो सीधा प्लेन खरीद देगा राम भाई, प्लेन खरीद के मैं बोलूँगा पायलट को तुम नहीं चला सकता देख मैं चलाता हूँ तो मैं तो मारूंगा और दूसरे कोई नीचे रहता है ना उसको भी मारूंगा, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास है 4-wheel तो सब गाड़ी तो मैं जमीन पे चलने वाली सब चला सकता हूँ। ये बैलगाड़ी चलाता हूँ, पहले तो बैलगाड़ी चलाता, उसके बाद बाइक सीखा हुआ है, उसके बाद सीधा ट्रक सीखा था, बड़े वाली ट्रक आती है 6 चक्का की, हमारे से 6 चक्का की जो आती है ना वो, उसके बाद सीधा JCB सीखा था, JCB, हिटासी, लोडर और 4-wheel सब, यानी सब सीखा था, बुलेट यानी सब जो ज़मीन पे चलता है सब वाहन में चला सकता हूँ, JCB, हिटासी, लोडर, कोई भी आप बोलेंगे मैं चला सकता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है, आप एक बार बता देंगे कि ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे चलाना है तो मैं कोई भी वाहन चला देता हूँ। तो ऐसा है भाई साहब, तो पढ़ा लिखा आदमी किसान नहीं बन सकता और किसान पढ़ा लिखा बन नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो ऐसा है, देखो हमारे शेर दोनों खड़े हैं, जय माता दी, दूसरा क्या भाई साहब।